हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू है फर्स्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी चतुर्थ अटेम्प्ट वाले थे जिनकी मार्कशीट पे रोक लगाई गई थी, तो यहाँ पे उनकी मार्कशीट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया और उनकी मार्कशीट भी जारी कर दी गई और उन्हें प्राप्त भी होगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जो है वो निकाली गई है उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से। यहाँ पर नोटिस की डेट देख सकते हो 9/9/2024। कार्यालय जो है आप सभी देख सकते हो आदेश जो है डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हैं तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं को एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा वर्ष 2021 व 22 की परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के निर्देश निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में ऐसे प्रशिक्षुओं को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 में 3 बार अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए अवसर के सापेक्ष, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि उतने उतने इनके बना बयान बनाम उनके, और यहाँ पर डीएलएड परीक्षा वर्ष 2021 व 22 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षुओं को एक अंक पत्र वितरित ना किए जाने हैं तो कार्यालय के पत्रांक इतने 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 द्वारा समस्त उप निदेशक प्राचार्य डेला जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय की याचिका इतनी 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 में अनुभा मिश्रा व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को पारित निर्णय के अनुपालन में इस कार्यालय में पत्रांक इतने 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 द्वारा निर्गत किया गया अतः द्वारा कार्य प्रभाव समाप्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2021 व 22 में अतिरिक्त अवसर प्राप्त कर सम्मिलित समस्त प्रशिक्षुओं को उनके अंक पत्र नियमानुसार वितरित प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये नोटिस जो है वो जारी की गई है जो कि कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर थे जिनका बैक लगा हुआ था, जी हाँ जिनका बैक लगा हुआ था और वो अपना मार्कशीट जो है वो नहीं मिल रही थी, उनकी मार्कशीट पे रोक लग गई थी, तो ऐसे में दोस्तों उन सभी की मार्कशीट अब मिलेगी और उन सभी की मार्कशीट आपके डॉट के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी संपर्क करके अपनी मार्कशीट जब भी जारी की जाती है, जब भी वहां पहुंचती है, जो रोक लगी थी वो आप सभी को वहां पे मिल जाएगी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। इस नोटिस को भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे।